प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मेरठ से आ रही है, जहां एक सिरफिरे ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर एक सिरफिरे ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और उसके बाद छत पर चढ़कर दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए डिस्को किया है। जी हां, तमंचे पर डिस्को करने का एक वीडियो सामने आया है। मेरठ का ये वीडियो है, जहां पहले इस सिरफिरे ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी, उसके बाद छत पर चढ़कर दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए डांस किया और हवाई फायरिंग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से एक सिरफिरा छत पर चढ़ जाता है और दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए डांस करता है, हवा में फायरिंग करता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। तमंचे पे डिस्को का ये लाइव वीडियो सामने आया है, एक सिरफिरे की करामात। आप देखिए किस तरीके से हवा में दोनों तमंचे लहराते हुए, दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए ये सिरफिरा डांस कर रहा है। इससे पहले इसने एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मेरठ से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मेरठ से आ रही है, जहां एक सिरफिरे ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर एक सिरफिरे ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और उसके बाद छत पर चढ़कर दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए डिस्को किया है। जी हां, तमंचे पर डिस्को करने का एक वीडियो सामने आया है। मेरठ का ये वीडियो है, जहां पहले इस सिरफिरे ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी, उसके बाद छत पर चढ़कर दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए डांस किया और हवाई फायरिंग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से एक सिरफिरा छत पर चढ़ जाता है और दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए डांस करता है, हवा में फायरिंग करता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। तमंचे पे डिस्को का ये लाइव वीडियो सामने आया है, एक सिरफिरे की करामात। आप देखिए किस तरीके से हवा में दोनों तमंचे लहराते हुए, दोनों हाथों में तमंचे लहराते हुए ये सिरफिरा डांस कर रहा है। इससे पहले इसने एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मेरठ से।